नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में राम मंदिर पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले मामले में अदालत की सुनवाई खत्म होने दें, उसके बाद अध्यादेश पर विचार किया जाएगा। अब उनके इस बयान पर शिवसेना ने बड़ा हमला बोला। शिवसेना ने कहा है कि पीएम मोदी के लिए भगवान राम कानून से ज्यादा बड़े नहीं है। शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भगवान राम कानून से बड़े नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए किसी अध्यादेश पर निर्णय न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही करेगी। शिवसेना बीजेपी के सहयोगी पार्टी है और उसने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। उसने दलील दी है कि मामला दशकों से अदालतों में चल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर तत्काल सुनवाई वाला मामला नहीं है। मोदी ने भी कुछ अलग नहीं कहा, मैं उन्हें मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए बधाई देता हूं। लेकिन उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं राम मंदिर के लिए कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, इसका संवैधानिक अर्थ यह है कि भगवान राम कानून से बड़े नहीं है। बता दें कि कई टीवी चैनलों पर दिखाए गए एक इंटरव्यू में मोदी से अयोध्या में राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने के विभिन्न हिंदुत्व समूहों की मांग के बारे में सवाल किया गया। इस पर मोदी ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए, न्यायिक प्रक्रिया समाप्त होने पर एक सरकार के तौर पर जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी हम सभी प्रयास करने को तैयार हैं। दरअसल शिवसेना ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर अपना रुख करा कर लिया है और लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर हमले करके सवाल उठा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक रैली में बीजेपी के सहयोगी दलों से राम मंदिर मुद्दे पर अपना रुख साफ करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते खराब हो चुके हैं। इधर बीच शिवसेना ने भी पार्टी पर लगातार हमलावर रहने की नीति अपना रखी है। इसके अलावा कई राज्यों में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी कुछ कुछ मुद्दों पर विरोध दर्ज जताया है। ऐसे में इस इंटरव्यू में मोदी से उनके सहयोगी पार्टियों के रुख पर भी सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि राज्यों की राजनीति अलग होती है, राज्य में परिस्थितियां अलग होती हैं, राज्य के राजनीतिक दल उन परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति करते हैं। हमारे साथ अब भी बहुत से राजनीतिक दल हैं और 2019 में इनकी संख्या और बढ़ेगी। वैसे आपने देखा होगा कि शिवसेना अक्सर बीजेपी के साथ सरकार में रहकर विपक्षियों की भाषा बोलती रहती है। इसका कारण वो शायद ये बताने ती हैं कि वो सत्य और सही चीजों के साथ देना चाहते हैं, न कि सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के सुर में सुर मिलाए। लेकिन सच्चाई ये है कि शिवसेना हमेशा से भाजपा को यह बताने की कोशिश करती है कि वो क्षेत्रीय पार्टी होकर भी भाजपा के आगे घुटने नहीं टेकेगी। जब बात चुनाव के पहले सीट बंटवारे की होगी तब और वो अपने मनमाने सीट पर चुनाव लड़ सके और भाजपा उसे खुश रखने के लिए हर समझौते के लिए तैयार हो जाए। देखते हैं कि आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियों की रणनीतियां क्या रहती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।